हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने अपने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे और इसमें 18 से 80 साल तक का महिलाओं को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का नाम दिया। ऐसे ही दिल्ली सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना देने की घोषणा की है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की सरकारें पहले नहीं हैं। देश के कई और राज्यों में महिलाओं को इस तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। आइए जान लेते हैं किन राज्यों में ऐसी योजनाएं पहले से चल रही हैं और कहां कितनी राशि महिलाओं को दी जाती है। लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपये स्थानांतरित किए जाते हैं और इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को की गई थी, जिससे महिलाएं अपने और अपने बच्चों के लिए दूध, फल और सब्जी आदि खरीद सकें या फिर जरूरत के मुताबिक किसी अन्य काम में इस रकम को खर्च कर सकें। इस योजना के लिए केवल मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई करने वाली महिलाओं की उम्र 21 से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 मार्च को दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया और इसमें अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने घोषणा की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली के वित्त मंत्री अतिशी मार्लेना ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए हर महीने सम्मान निधि घोषणा की। दिल्ली की मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 67 लाख महिलाएं हैं, जिनके लिए बजट में कुल 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वैसे सरकार नौकरी करने वाली और सरकारी पेंशन पाने वाली महिलाओं के साथ ही टैक्स देने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में दिल्ली की 45 से 50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए पहले से इस तरह की योजना चल रही है। राज्य सरकार ने इस योजना का नाम रखा है महतारी वंदना योजना। इसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। 1000 रुपये की मदद के साथ डेबिट कार्ड भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अगुवाई वाली सरकार ने भी महिलाओं के लिए योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें आर्थिक लाभ दिया जा सके। इसका नाम कैलेग्नार मगलिर उरी माई थोगई थित्तम है। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये सीधे भेजे जाएंगे और इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार में महिलाओं को डेबिट कार्ड भी दिए जाएंगे। इस राज्य में महिलाओं के लिए इस योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया जा चुका है और इस तरह से पंजाब में अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावों से पहले घोषणा की थी, सरकार बनने पर महिलाओं को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देंगे।